कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, आज जानेंगे वीकेंड वाले दिन, आज हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में, साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टैंकर्स में किस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है बाजारों में, किस तरह कीमतें टैंकर में देखी जा रही है, किस तरह का ट्रेंड बाजारों में आज चल रहा है। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खाद्य तेल बाजार में इस वक्त बेहद तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, और खबरें ये हैं कि कांडला पोर्ट में भी 5 रुपए से लेकर 6 रुपए पर किलोग्राम तक की तेजी दर्ज करी गई है। घरेलू बाजार इसी वजह से तेज है, और साथ ही विदेशी बाजारों में काफी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है, जिसका सपोर्ट आप घरेलू बाजारों पर देखकर चल सकते हैं। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से बाजारों में तेजी बनी हुई है। स्टॉक लिमिट जब से हटाई गई है तब से बाजारों में आप तेजी का माहौल देखकर चल सकते हैं। विदेशी बाजारों का अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की वजह से घरेलू बाजारों में भी तेजी बनी हुई है। अब किस तरह की कीमतें चल रही हैं पूरे खाद्य तेल बाजार में, इस बारे में अगर बात करते हैं, लोकल मिलों के बारे में अगर बात करते हैं, तो भाई वनस्पति में 1500 का रेट आज का 250 देखकर जा सकते हैं। पामोलिन में 1500 कीमतें 1530 चल रही हैं, और 1 लीटर का रेट 103 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में 1500 का रेट बाजारों में 2105 है। सोया ऑयल में 1 लीटर का रेट 138 रुपये 50 पैसे देखा जा रहा है। फॉर्चून के बारे में अगर बात करते हैं, 1500 फॉर्चून कीमतें 2300 है, और फॉर्चून में 1 लीटर का रेट बाजारों में 154 रुपये देखा जा रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। इसी के अलावा बेस्ट चॉइस रिफाइंड की कीमतें 1 लीटर में बाजारों में 141 है, और पामोलिन में 1 लीटर कीमतें बाजारों में 104 रुपए देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो राइस ब्रांड का रेट बाजारों में 130 चल रहा है। सोया ऑयल की कीमतें उत्तर प्रदेश में 143 है। सोयाडियो का रेट बाजारों में 141 देखा जा रहा है। मस्टर्ड के बारे में अगर बात करी जाए, मस्टर्ड के टैंकर का जो बाजारों में रेट चल रहा है वो 150 चल रहा है। एक्स्ट्रा कीमतें बाजारों में आप 148 रुपए देख कर चल सकते हैं, और पामोलिन के टैंकर का रेट बाजारों में यानी उत्तर प्रदेश में 105 रुपए देखा जा रहा है। जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, कांडला पोर्ट में भी काफी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। और ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, बाजारों में ट्रेंड बेहद पॉजिटिव है, और आने वाले समय में आपको फिलहाल के लिए तेजी ही देखने को मिल सकती है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं, और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो उस जगह से आप अपना ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुक करते हुए जरूर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।